हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी तसल्ली पूर्वक हमने आपको दिखाया है मौसी जी का घर, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि पहाड़ों में कैसे घर होते हैं, बाहर का आंगन कैसा होता है। काफ़ी लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोगों के ऐसे घर भी होंगे, पर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं देखा है, तो हम उनके साथ ये सब चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। तो मौसी जी सुबह सुबह भर रही हैं पानी कनस्तर में, क्योंकि चूल्हे पर उन्होंने कनस्तर रखा हुआ है पानी गर्म करने के लिए। आज का दिन जो था, हमने वापस जाना था, तो सब लोग नहा धो के रेडी हो रहे थे एक एक करके। तो मौसी जी की सबसे पहली बड़ी टेंशन यही थी कि यार पानी टाइम से गर्म हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि सर्दियों में तो बिना गर्म पानी के काम चलता नहीं है। पहले के लोग तो भैया करते ही थे, पर चूल्हे होते हैं जो लकड़ियों से चलते हैं, उनका एक बेनिफिट है कि पानी गर्म रहता है 24 घंटे, एक पतीला या कनस्तर उस पर चढ़ा रहता है। तो अब धूप भी अच्छी खासी आ गई थी, 7:30 बजे तक डायरेक्ट धूप आ जाती। तो सुबह सुबह मैं तो कर रही थी तैयारी, क्योंकि ऐसा होता है जितना मर्जी याद कर लो कि ये रख लिया वो रख लिया, पर फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो यही मैं चेक कर रही थी कि हमारा तो चलो कोई बात नहीं छूटेगा, तो कोई बात नहीं, मम्मी जी अभी वहीं थे कुछ दिन तो वो ले आएंगे आते हुए। पर सारांश का थोड़ा था कि सारांश का कुछ ना छूटे, क्योंकि दवाई वगैरह अगर छूट गई तो फिर होता ही है रास्ते में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर सारांश महाराज जी बैठे हैं धूप में आराम से। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? क्या पी रहे हो भाई? वाओ, दूधू चाय। ना ना ना, गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, पकड़ के रखो। पहले फिनिश करो उसे, तब निकलेगा। बबू बबू बबू, इस टाइम पे कैमरामैन की ड्यूटी थी मनीष जी की, तो इसलिए वो आप सभी को एक 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 चीज बड़ी तसल्ली से दिखा रहे हैं। तो ये जो चौखट है दरवाजे की, ये बहुत सालों पुरानी है। ऐसे ही चौखटें पहले हुआ करती थी और काफ़ी घरों में अभी भी होंगी, तो इसलिए वो बड़ी तसल्ली से दिखा रहे हैं आप सभी को। और अंदर ऊपर जाने का रास्ता वहीं से था, ऊपर भी मौसी जी के काफ़ी कमरे हैं, और ये मौसी जी ने बीच के लिए रखी हुई है। तो सारांश सोच रहा है ये बैट बॉल है, इसके साथ खेल लो। रख दो रख दो बेटा, टूट जाएगा वो। मौसी दादी का है वो। हाँ, इसे नीचे रख बच्चा, नीचे रख, धूप में बैठ। तो हमने तो जाना ही था घर वापस, पर जेठ जी ने भी ड्यूटी जाना था, तो सुबह सुबह वो निकल जाते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि आपको उतना टाइम लगता है जितना आजकल बॉम्बे वगैरह में लग जाता है जाने में कहीं भी, आधा एक घंटा तो लगता ही लगता है। तो इसलिए वो फटाफट से तैयार हो रहे थे। तो मैं बना रही थी सुबह की चाय, और मौसी जी भी साथ साथ हेल्प कर रहे थे, और जो बड़ी मौसी जी हैं वो बैठे हुए थे क्योंकि तो मैं फटाफट से काम कर रही थी वहाँ पर, मतलब चाय वगैरह जो भी था कर रही थी। नाश्ता तो हमने नहीं किया था, क्योंकि ऐसा होता है ना, सुबह सुबह मन नहीं करता है नाश्ता करने का, तो हम वेट कर रहे थे कि चलो रास्ते में ही कर लेंगे। तो यहाँ पर सब लोग चाय पीने आ गए थे, और मम्मी जी का पूरा प्लान नहीं बन पा रहा था कि वो रुकना चाह रहे हैं कि जाना चाह रहे हैं साथ में, क्योंकि दो मन हो रहे थे उनके, उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो गांव में वैसे भी ठंड ज़्यादा होती ही है। और हम लोग जा रहे हैं वापस घर, मतलब कि देहरादून सुमाड़ी है इस टाइम पे। कल श्रीनगर रुके थे, आज मतलब परसों रात श्रीनगर रुके थे, कल रात सुमाड़ी रुके थे, और अब जा रहे हैं घर। मम्मी जी यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी सब बहनें मिलकर ने वो कर दी हैं, तो मन होता है ना बहनों के साथ स्पेंड करने के लिए, और गांव में आके वैसे भी थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। पर हमें तो जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऑफिस है, स्कूल है बच्चों का, तो धूप आ गई इस टाइम 7:30 बजे तक यहाँ धूप आ जाती है। तो अभी हम जाएंगे, यहाँ नीचे एक मंदिर है, फिर डायरेक्ट घर।
ये डायलॉग है, मुझे लग रहा है यहाँ का फेवरेट डायलॉग। नाराज नहीं होना, तो हम लोग निकल गए थे वापस। और यहाँ पर मौसी जी और मम्मी जी हमको नीचे तक छोड़ने आए थे, क्योंकि ऑन रोड नहीं है घर, ऊपर पहाड़ों में ऊपर रहता है घर, हमें थोड़ा पैदल जाना पड़ता है अपने व्हीकल वगैरह के लिए। तो हम पहुँच गए थे यहाँ पे श्रीनगर, और श्रीनगर में तो ऐसा हो रहा था जैसे धूप कभी निकलेगी ही नहीं, ना ही कभी निकलती है, क्योंकि जहाँ अभी आपने देखा था सुमाड़ी में कितनी अच्छी धूप आ रही थी, खिल रही थी मतलब धूप, और यहाँ पर तो ऐसा फिर से ठंडा सा लगने लग गया था। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 11-12 बजे ही धूप आती है, उससे पहले तक इतनी ही यहाँ पर धुंध रहती है। तो मतलब सुंदर तो बहुत लगती है ये सब चीज़ें देखने में, हाँ कितनी सुंदर लग रही है, वाओ वाओ ऐसे, पर जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए कितनी दिक्कत की बात है, उनके लिए कितना ठंडा होता है, तो उनके लिए इतना वाव नहीं होता है, क्योंकि भाई होता ही है जब ज़्यादा ही अति ठंडी हो जाए या अति गर्म हो जाए तो दिक्कत तो होती ही है। तो यहाँ पर इसे बीच में बिल्कुल फॉग जमा हुआ था, अगल बगल साफ था, कहीं कहीं बीच में ऐसे धुंध लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं आप सब लोगों को भी दिखाती हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा रहता है कि बिल्कुल ना ठंड ना गर्मी नॉर्मल रहता है, पर पहाड़ों में क्या होता है कि सर्दी होती है तो इतनी भयानक होती है कि बहुत ही ज़्यादा दिसंबर और जनवरी में। तो अभी जब हम गए थे तब बोल रहे थे कि इतनी ठंड फिर भी नहीं थी, जब बारिश होती है उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। फिर हम रुक गए थे श्रीनगर से थोड़ा आगे जा कर के चाय पीने के लिए, क्योंकि मनीष जी को भूख लगने लग गई थी फिर थोड़ी देर में। तो हमने सोचा चलो यहाँ पर दिख रहा है, और वैसे भी मतलब जो ठेली होती है ऐसे चाय की दुकानें होती हैं यहाँ पर, चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही टेस्टी चाय बनाते हैं ये सब लोग। तो मैंने सोचा चलो यार उतर के मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि फिर हमें हर बार रुकते रहो तो फिर टाइम उतना ही ख़राब होता है। हम रुके हैं देवप्रयाग, जा रहे हैं संगम देखने के लिए, बड़ा मन है संगम देखने का। तो हमारा प्लान बना नीचे, जो मैंने आपको पहले ऊपर से दिखाया था देवप्रयाग का संगम, पर अब मैंने आपको बोला था मैं जाते हुए ज़रूर जाऊंगी, तो मैंने इनको मनाया कि चलो चलो चलते हैं, फिर देखो कभी कभी आना होता है तो चल लेते हैं, तो ये भी मान गए थे। वैसे तो ज़्यादा जोर नहीं करना पड़ा मनाने के लिए, तो ऐसा रास्ता है नीचे जाने के लिए, ज़्यादा पैदल का रास्ता भी नहीं है, पर ठीक है। राम जी के पांव हम पहुँच गए करते यहाँ पे। ये पैर के निशान, दो निशान ऊपर से नहीं दिख रहे, ये राम जी के पैर के निशान है। तो इस टाइम पे मैं दो दो चीज़ें हैंडल कर रही थी, एक हाथ से वीडियो बना रही थी ब्लॉग में डालने के लिए, और एक हाथ से लाइव कर रही थी, तो वीडियो थोड़ा हिल रहा है उसके लिए सॉरी, थोड़ा मतलब शेक हो रहा था, तो ये सारा उसको सुना रहे थे। ये संगम, ये हो रहा है संगम, मुझे देख के ही तो डर लग रहा है, देखो कितनी तेज तेज आ रहा है वहां से। ये वाली बहू है कि सास है पता नहीं, मम्मी जी तो बोल रही थी कि ये वाली सास है जो तेज तेज आ रही है। उस टाइम हमने ऊपर से दिखाया था ना, अब नीचे से दिखा रही हूँ। तो वहाँ जा कर के मतलब बोलते हैं ना कि सुन हो जाना दिमाग, मतलब इतना सुंदर नज़ारा था, इतना सुंदर नज़ारा था कि आप लोग देख ही सकते हैं, इतना मतलब डर भी लगता है पानी को देख के, इतना फोर्सफुली एक जगह से पानी आ रहा था और दूसरी जगह उतना ही शांत पानी बिल्कुल ठहरा हुआ। तो दो चीज़ें एक साथ जब देखने को मिलती है ना तो मतलब ऐसा लगता है वाह हम कहाँ आ गए। लाइव दर्शन करा दिए हैं मैंने देवप्रयाग संगम के, बहुत ही मज़ा आया। नहीं
देखिए वहाँ शांति है, यहाँ थोड़ा शोर है, इतना अच्छा लग रहा है ना। अब चलते हैं वापस क्योंकि घर जाना है, देर हो जाएगी। चलो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। यह है घाट, मुझे गिरा क्या रहे हो? तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे देवप्रयाग संगम के, तो उसके बाद मैं उनसे थोड़ी फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं। और हल्की हल्की भूख भी लग ही गई थी तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर। ये ऊपर जाते हुए ही एक दुकान है नेगी भैया की, उन्होंने बहुत ही टेस्टी चाउमीन और मोमोज बनाए थे, तो मतलब दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा हो गया कि भूख में अच्छी चीज़ मिल गई खाने को। अच्छी तो नहीं है, है तो मैदा, पर टेस्टी चीज़ मिल गई खाने को। तो कुछ ये रेट हैं, रेट बिल्कुल मुझे अच्छे लगे, सही लगे मतलब उनके रेट। तो नेगी भैया जी हैं ये, जो देवप्रयाग से ऊपर जाते हुए है इनकी शॉप। बहुत ही सही में बहुत ही टेस्टी था मोमोज और चाउमीन। तो ऋषिकेश आते आते हमने 4-5 बार ऐसे नज़ारे देख लिए थे, तो वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ये नॉर्मल था, ऐसे सड़क बन रही है, रोड बन रही है, तो ये काम वगैरह तो चल ही रहा था। पर जो ये थी, जो जेसीबी वाले भैया मतलब जेसीबी के थ्रू सारा सामान उठा के ट्रक में लोड कर रहे हैं, तो ये देख कर मुझे एक एहसास हुआ कि कितना मेहनत का काम है ये सब। मतलब इंसान कितनी मेहनत करता है इन सब चीज़ों के लिए, पहाड़ों में ट्रक चलाना, जेसीबी पे काम करना, जो पहाड़ काट रहे हैं, कितना मुश्किल से होता है ये सब काम। हम पहुंच गए हैं डोई वाला और अब हो गई है मनीष जी को थकावट, तो वो सोच रहे हैं कि जो रास्ते में एरोडाइन है वहां जाते हैं, कॉफी पी के आते हैं, पर वो हमें मिल नहीं रहा है। मतलब आने वाला है पर हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि सच में आने वाला है या चला गया, क्योंकि मेरे को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी और इनका ड्राइव करने में ध्यान ज़्यादा था इसीलिए, पर ये कह रहे कि आगे आएगा। तो अगर अलाउड हुआ अंदर ब्लॉग बनाना एरोडाइन में, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, आगे कंटिन्यू करूंगी। तो और शाम के बज रहे हैं 4:30, तो 4:30 बज रहे हैं शाम के। मतलब आराम आराम से जाएंगे, अब कोई जल्दी तो है नहीं, बस ये था पहाड़ों में थोड़ा डर लगता है टाइम से नीचे पहुंच जाए, तो यही है। अब पहुंच चुके हैं, अब आराम से घूमते फिरते जाएंगे, है ना। इन्होंने ना मुझे पीछे बिठा रखा है, बोलो तू पीछे भाग जाए यहाँ से, तू मेरा दिमाग खाती है आगे बैठ के। और ये कुरकुली आगे बैठी हुई है, गुरबुली मतलब बब्बू, सारांश भवना, और मेरे को इन्होंने पीछे बिठा दिया। मैंने तो 2 दिन से बिग बॉस भी नहीं देखा है, इतनी थकावट हो जाती थी ना कि 2 दिन से बिग बॉस मिस कर दिया, सोचो। बिग बॉस क्या सोच रहे ये बोल रहे बिग बॉस क्या सोच रहे होंगे, बिग बॉस सोच रहे होंगे कहां गई मेरी चहीती, जो देखे बिना सोती भी नहीं थी रात को, चाहे मैं थकूं कुछ भी करूं, बिग बॉस जरूर देखती थी 12 बजे तक और फिर सोती थी। अब 2 दिन से नहीं देख पा रही हूँ, चलो अब जाके देखूंगी, अब आज ही 2 कवर करने पड़ेंगे। और व्लॉग पे एडिट नहीं किया आज के लिए, मतलब 5 बजने वाले हैं और आज मेरे 2 लाइव मैंने किए थे, तो सोच रही हूँ आज व्लॉग ना डालूं, क्योंकि आप लोग भी बोलोगे कि क्या है इसी को ही देखते रहे क्या, ब्लॉग भी देखे लाइव भी देखे, इसलिए आज छुट्टी कर दी मैंने कि चलो लाइव कर दिया, अब ब्लॉग कल डालूंगी, है ना। थोड़ा आपको भी टाइम मिल जाएगा देखने का, मतलब फ्रेश होने का, माइंड फ्रेश करने का, और मुझे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में अच्छे ब्लॉग नहीं बन पाते। अब 2 दिन मैंने जल्दीबाजी में बनाए, जल्दीबाजी में मतलब थकावट में, आंखें ऐसे ऐसे बंद हो रही थी और तब भी लगी हुई थी बनाने में। पर आज का ऐसा है कि शाम को देखूंगी, अगर बन गया तो रात तक पोस्ट करूंगी, वरना कल पक्का। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है जैसे हम पता नहीं कहाँ से घूम के आए हैं, शक्ल भी ऐसी हो गई है, धूल मिट्टी चिपट गई क्योंकि रास्ते में बहुत वो था, रास्ते में कंस्ट्रक्शन का रोड बन रही थी, काम चल रहा था, तो धूल मिट्टी तो थी ही, और वैसे भी अब धूप डायरेक्ट लगती है, गर्मी लगती है, तो खोलनी पड़ती है खिड़की, तो खिड़की खोलते हैं मिट्टी आती है अंदर पे, इसलिए चलो कोई बात नहीं।
मैं भर के प्यासी से भर के लाई हूँ मैं पानी, इसलिए इन्हें पानी बिगड़ वाली लग रहा है। और देहरादून का पानी कैसा लगता है? खारा पानी नहीं, सबकी नैया पार लगानी है। पानी सही है तो सब सही है, डाइजेशन सही है। आजकल तो हर चीज में कुछ ना कुछ दिक्कत है। जो धारा से आता ना ऊपर, धार से माउंटेन्स नेचुरल पानी, इतना ठंडा, चस्सू, बहुत चस्सू। तो आगे अगर उन्होंने ब्लॉग बनाने दिया तो मैं जरूर बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। ये देहरादून का जाम, अगर यहाँ फंस गए तो एक डेढ़ घंटा आपका ऐसी वेस्ट हो जाएगा। लक पे डिपेंड करता है, कभी जल्दी कभी लेट, पर हमें तो यहाँ पे टाइम ही ऐसा ही है। हाँ, इस टाइम पे सब ऑफिस वाले सब इधर उधर के जाते हैं ना, तब हमें काफी टाइम हो गया है, आधा पौना घंटा यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे।